signs and symptoms presented by the patient give the idea of the probable conflict with the mother. Weak bone there, poor visualization, and weakness of strength and character. यहाँ पर हमेशा आपकी जो दवाई आएगी वो एक वीक बिल्ड रेमेडी है, क्यों? अगर स्ट्रॉन्ग बिल्ड रेमेडी होगी तो क्या होगा, बच्चे को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो, सिफिलिस आएगा तो डिस्ट्रक्शन में जाएगा, मुड़ेगा नहीं, मुड़ रहा है मतलब ही इज बेंडिंग अंडर द सर्कमस्टेंसेस, इट हैज टू बी अ वीक बिल्ड रेमेडी. वीक बिल्ड विल बेंड, स्ट्रॉन्ग बिल्ड विल ब्रेक बट विल नॉट बेंड. पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स हैं आपको मिलते हैं वहाँ, आपकी मर्क्यूरी, ऑरम्स, प्लैटिनास, पैलेडियम्स, ऐसी वाली दवाइयाँ हैं. ये अगेन स्पाइन ऊपर है तो इंटेलेक्ट से रिलेटेड है, सेंट्रल कोर ऑफ लाइफ, और नीचे जो होता है वो आपका सपोर्ट या फाइनेंस. बहुत लोगों में जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है उनकी लोअर बैक को दिक्कत आ जाती है.